दोस्तों, ये जो मूवी है ना, ये रियलिटी से कनेक्ट करती है। आप जब कभी भी अपने आसपास की घटनाएं होते हुए देखते हो और जब आप इस मूवी को देखना शुरू करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं एक रियलिटी को देख रहा हूँ और आप इस मूवी के अंदर पूरी तरीके से खो जाओगे। कुछ पल के लिए तो आपके दिल की धड़कनें कुछ मिली सेकेंड्स के लिए रुक भी जाएगी कि भाई ये क्या हो गया। और ऐसा अगर हो रहा है मेरी आंखों के सामने तो मैं इसको रोक क्यों नहीं पा रहा हूँ और या फिर मैं इसके लिए कुछ कर क्यों नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसी ही कुछ चीजें होंगी जिसमें आप बहुत ही ज्यादा उलझते चले जाओगे। वेल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ चीता मूवी की, जो कि एक ड्रामा थ्रिलर मूवी है। लगभग 2 घंटे 20 मिनट की ये मूवी क्या कुछ इंटरेस्टिंग चीजें लेके आती है उसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौड़, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडियन फिल्मी रेट में। दोस्तों, मूवी की जो कहानी है वो फोकस करती है एक चाचा और भतीजे के रिलेशन के ऊपर। दरअसल होता है कि एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची होती है और उसका होता है एक चाचा जो कि उस बच्ची को अपनी बेटी की तरह प्यार करता है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि वो जो उसकी प्यारी सी भतीजी होती है वो अचानक से गायब हो जाती है और उसके बाद में जो उसका चाचा होता है वो बहुत ही ज्यादा बौखला जाता है। अब उसकी भतीजी कैसे मिलेगी, उसको किसने किडनैप किया है और उसका चाचा क्या करेगा और पुलिस प्रशासन इसमें कैसे सहयोग देगा, ये सारी चीजें जानने के लिए आपको देखनी होगी ये मूवी। दोस्तों देखो, ये मूवी जिस तरीके से शुरू होगी ना, आप पूरी मूवी के एंड तक कनेक्ट रहने वाले हो और जितने भी करेक्टर्स आपको मूवी के अंदर नजर आएंगे उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी है, आप उनके साथ में इमोशनली कनेक्ट हो जाओगे। और सबसे अच्छी बात मुझे मूवी के अंदर लगी है इसका स्क्रीन प्ले, जो कि आपको 1% भी बोर नहीं होने देता। तो दोस्तों, शुरू का जो 1 घंटा होगा उसके अंदर जो आपको चाचा से रिलेटेड जो चीजें देखने को मिलेगी और उसका चाचा जिस तरीके से फंसता चला जाता है तो वो चीजें भी आपको थोड़ा सा शॉक कर देंगी। लेकिन उसके बाद में जो एक नया मोड आता है भाई साहब, वो आपको हैरान करके रख देगा। तो दोस्तों, मूवी का हर एक सीन बहुत ही ज्यादा प्यारा है और आप जब इस मूवी को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सब चीजें मेरी आंखों के सामने हो रही है। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूंगा, मुझे ये मूवी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी है। मैं इस मूवी को रेटिंग करूंगा 9 out of 10। तो आप जब इस मूवी को देख लोगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा आपको इस मूवी का कौन सा सीन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।